नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय आप देख पा रहे होंगे मैं हमीरपुर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर यहां पर मौजूद हूं। इस सड़क पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो अभी बात करें पीडब्ल्यूडी विभाग की, जो लोक निर्माण विभाग है वो बड़े ही कमाल का विभाग है। आप देख पा रहे होंगे जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने ही कितना बड़ा ये गड्ढा है और इस गड्ढे को भरने के लिए उनके पास मटेरियल नहीं रहा तो इसमें मिट्टी भर दी गई है। जो मिट्टी और कंकड़ निकल करके रोड के किनारे देख रहे हैं आप, बिल्कुल जो किस तरीके से किनारे लगे हुए हैं, ऐसे में जो भी यहां से निकलने वाले दो पहिया वाहन है इसमें फिसलते हैं और गिर जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे पूरा मामला आपका, ये जो है जिलाधिकारी कार्यालय है सामने यहां पर आप देख पा रहे होंगे और यहीं से प्रतिदिन जिलाधिकारी और SP यहां से जो है अंदर बाहर इसी गेट के माध्यम से करते हैं। और ये लोक निर्माण विभाग की ये जो है एक पहल कहें या क्या कहें, ये आप देख पा रहे होंगे ये गड्ढा है, इस गड्ढे को भी नहीं भर पाए। वहीं जो है दूसरी तरफ डिप्टी CM के आने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जहां सड़कें नहीं बनी थी, जिस रूट पे उन्हें जाना है उस रूट के जो है सारे रास्ते जबरदस्त तरीके से कंप्लीट किए जा रहे हैं। चाचा क्या नाम हुआ? राम प्रकाश तिवारी। आप हमीरपुर रहते हैं? ये जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ये जो बड़ा सा गड्ढा है जिसमें कई सारे लोग गिरते हैं, आपका क्या कहना है? ये पानी बरसात में सड़कों पर पानी भर जाता है और पानी तारकोल का दुश्मन है, तो ये अपने आप गाड़ियों के निकलने से हो गया है। ये हाईवे के अंडर में है ये सड़क निर्माण, तो इसकी वो जिम्मेदार है जिलाधिकारी का अगल ने उनके बंगले में कोई सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब उनके रूट में आएगा तब सही कर पाएंगे ये लोग, यानी कि जब तक यहाँ लोग गिरते रहेंगे ये ऐसे ही गड्ढा बना रहेगा। अरे भैया ये राजकाज है, चलते ही रहते हैं, तारकोल के पानी का दुश्मन है, पानी तारकोल का दुश्मन है, तो इसमें जो है। अरे ये इंजीनियर ने ऐसा सिस्टम कहाँ से भिड़ा दिया कि जब दुश्मन है, बारिश सरमाए होती है तो तारकोल से ही क्यों बनाया जाता है ये सड़क? मान जी उत्तराखंड में अरबों खरबों की सड़कें ढह गई और गंगा जी में समा गई, अब उसमें वो तो कटान कटने से हो गया, वो तो कटने से हो गया, तो तारकोल का दुश्मन पानी है, तो इस वजह से ये ऑटोमेटिक है, प्राकृतिक है, इसको हम आप कुछ टीका टिप्पणी करना बेकार है। नहीं, मतलब जो गड्ढा है ये इसे बना रहना चाहिए, इसे भरना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है देखिए यहाँ के जो लोग भी हैं वो बेकायदे जो समझ पा रहे हैं कि ये जो है प्राकृतिक गड्ढा है, जैसा कि इन्होंने बताया इसे जो प्राकृतिक गड्ढा आज से घोषित कर दिया गया है, फिलहाल इसे बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों का भी कहना है, फिलहाल यहाँ के अधिकारियों का भी ऐसा ही कहना होगा, इसलिए ये गड्ढा नहीं भरा गया है। और भी आगे चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।